कि आपका पढ़ने में या ध्यान भजन में मन नहीं लगता तो आप तक विद्या का ये प्रयोग जरूर करें, यह सभी के लिए उत्तम है। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, फिर दोनों नथुनों से खूब गहरी श्वास लें। कुछ समय श्वास भीतर ही रोकें, फिर श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद रखकर ओम की ध्वनि करते हुए सिर को ऊपर नीचे करें, जिससे कंठकूप पर भी दबाव पड़े। श्वास पूरी खाली होने तक ये प्रक्रिया करते जाएं। ये प्रयोग 2 से 3 बार करना चाहिए। लाभ, फेफड़ों की शक्ति और रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास करने वाला ये अद्भुत प्रयोग है। थायराइड के रोग नष्ट होने लगते हैं। ये प्रयोग करके जप ध्यान करने से विशेष लाभ होता है। इड़ा और पिंगला नाड़ी का द्वार खुलता है और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, साथ ही विशुद्धाक्ष केंद्र भी जागृत होता है।